उत्तर प्रदेश विद्युत जूनियर इंजीनियर संघ द्वारा एक मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में मुरादाबाद जनपद के अपर अभियंता एवं विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाथ में मशाल लेकर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई। जूनियर इंजीनियर विद्युत अभियंता संघ एवं अन्य विद्युत कर्मचारी आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुरादाबाद के कंपनी बाग शहीद स्मारक पहुँचे और एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा रोष प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि आज के इस मशाल जुलूस के लिए प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में ही ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन लखनऊ में हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जो निंदनीय है। शांतिपूर्ण जुलूस से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सभी को संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात कहने का हक है, लेकिन सरकार ने दबंगई दिखाते हुए हमारे साथियों को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए मुरादाबाद के साथ साथ प्रदेश के अन्य जनपदों में भी विद्युत विभाग के अवर अभियंता जूनियर इंजीनियर एवं हमारे सहयोगी सभी संगठनों द्वारा हड़ताल का ऐलान किया जाता है। जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार ही रहेगा। इस मौके पर सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। मेरा नाम विशाल मलिक है। एक्चुअली पूर्वांचल का प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज प्रदेश व्यापी एक मशाल जुलूस निकाला जा रहा है शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पे। इसलिए क्योंकि ये एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो हम सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने विभाग को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें ये पूरे देश, पूरे प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। कल से 29 तारीख से 3 घंटे का 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का कार्य बहिष्कार होगा और विरोध सभाएं होंगी, और 5 तारीख के बाद से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर सभी कर्मचारी और अधिकारी चले जाएंगे, अगर पूर्वांचल का प्राइवेटाइजेशन नहीं रोका जाता है तो। उसके लिए हम 5 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार पे जा रहे हैं। उसका सरकार को हम पहले ज्ञापन दे भी चुके हैं, तो उसके बाद पूर्ण कार्य बहिष्कार है 5 तारीख से। यहाँ से अंबेडकर पार्क तक मशाल जुलूस जाएगा।